नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहां देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान देश पर न्यौछावर करने वाले सैनिकों का आज हर ओर स्वागत व सम्मान किया जा रहा है, साथ ही खुद देश के प्रधानमंत्री के द्वारा खुले मन से देश के सैनिकों का सम्मान करने की बात कही गई थी। लेकिन आज उन्हीं सैनिकों के रिटायर होने के बाद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को पहले सुसम्मान विद्युत विभाग में भर्ती किया गया था, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद बिना किसी नोटिस के उनको विद्युत विभाग के द्वारा नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे हजारों सैनिकों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके के जमालपुर पुलिस चौकी के निकट केबीआर स्कूल का है, जहां आज कई जनपदों के पूर्व सैनिक एकत्रित हुए और उनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व वायुसेना सैनिक उल्फत सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक ओर देश के सैनिकों का सम्मान करने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूर्व सैनिकों को विद्युत विभाग के द्वारा नौकरी पर रखा गया था। 15 साल के लंबे अरसे से सभी सैनिक पूरी ईमानदारी के साथ सरहद के बाद शहर के बीच बने बिजली घरों में नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब 15 साल बाद भी पूर्व सैनिकों को बिना किसी नोटिस के विद्युत विभाग के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही किसी भी तरह की कोई अधिकारी जानकारी देने को तैयार नहीं है। तो वहीं लॉकडाउन के कारण पूर्व सैनिकों के परिवार पर भुखमरी का संकट भी गहराने लगा है। हजारों सैनिकों के परिवार अब सिर्फ विद्युत विभाग के आश्रय अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब विद्युत विभाग ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसे पूर्व सैनिक के परिवार पर संकट के बादल छाने लगे हैं। आज अपनी मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों के द्वारा अन्य जिलों के सैनिकों को एकत्रित करके शासन प्रशासन से खुद को नौकरी में बहाल करने की मांग की है। बिजली वितरण खंड में संविदा पर पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं। इनकी संविदा हर वर्ष नवीनीकृत की जाती है, इनको लगातार रखा जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि इनको निकाल के इनके जगह पे बाहर के सिविल के बच्चों को रखा जा रहा है। इस विषय में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को जो ड्यूटी से निकाला गया, तो नोटिस था या क्या था? किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है, न कोई शोकोज है, न कोई कारण बताया जा रहा है। अचानक बोला जा रहा है बरवली के तुम कल से मत आना। किसी तरीके कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। इस तरीके की मांगों को लेकर आता हूँ। क्या मांग है जी? क्या मांग है आपकी? क्यों आप इस तरीके से जो आपकी समस्या? हमारी मांग ये है कि एक तो हमारे पास फौज का अनुभव है, इतने वर्ष हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जवानी हमने बॉर्डर पर गुजारी, हमारी निष्ठा पे, हमारे कर्तव्य परायणता पे, हमारे डिसिप्लिन पे पूरा देश नाच करता है, किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद हम 15 वर्ष से पूरी ईमानदारी से सच्चाई से इन बिजली वितरण खंडों पे कार्य कर रहे हैं। कोई कमी नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। कोरोना के टाइम पे जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, लगातार ड्यूटी की है, एक भी दिन किसी की अनुपस्थिति नहीं है। उसके बावजूद अचानक ये बताया जा रहा है कि आपका 31 मई को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सिविल के लड़के कार्य करेंगे। कोई कारण नहीं बताया जा रहा आपको क्यों निकाला जा रहा है। इनका फौज का अनुभव, उसके बाद इनका 10-15 वर्ष का बिजली घर का अनुभव, उसके बाद इनकी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा, इसके जगह पे ऐसा क्यों हो रहा है? ये सभी 50 वर्ष के आसपास की उम्र के हैं। इनको आज अपने पालन पोषण करने के लिए, बच्चों के लिए घर से ड्यूटी करने का मौका मिला है, और अचानक इस उम्र में और महामारी के इस दौर में इनको निकाला जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सारी दरवाजे खटखटाए हैं, SDM, DM, कमिश्नर, विधायक, सांसद, राजनेता, सभी के ये हमारे पास रिसीविंग ज्ञापन है, और सभी कहते हैं कि उन्होंने शासन को लिख दिया है। शासन को जब इतने लोगों ने लिखा है, तो हम आशा करते हैं कि हमारी खबर मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या से अवगत नहीं है क्या? क्योंकि हमें आशा यह है कि उन तक हमारा मैटर पहुंचेगा, तो वो पूर्व सैनिकों को हतोत्साहित नहीं होने देंगे, वो अवश्य मदद करेंगे और इस संविदा को अवश्य
रिन्यू करा के हमारे फौजियों को कंटिन्यू करेंगे और लगातार ड्यूटी। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ जब हम नौकरी कर रहे थे तो हमारी बड़ी वाई वाई होती है और सेना की बहुत बड़ा वाई वाई की जाती है। जब सैनिक वहाँ से रिटायर्ड होकर के अपने यहाँ अपने घर यहाँ आ जाता है, आश्वासन दिया जाता है या अपने सरकार के द्वारा कि आपको सिविल में नौकरी मिलेगी। हम सिविल में नौकरी करने के बावजूद हमें कुछ दिनों के बाद हमारे साथ में बड़े अत्याचार शुरू बहुत बुरा बर्ताव होता है, जिस तरह की एक तो फौजी भूतपूर्व सैनिक इस तरह से नामों से संबोधित किया जाता है। ये भूतपूर्व सैनिक होना मेरा गौरव है, मेरा सम्मान है, इससे बड़ा सम्मान किसी के पास नहीं है। कौन है जो कि हमको भूतपूर्व सैनिक को सम्मानित करता है? अरे आप तो भूतपूर्व सैनिक हैं, इस तरह से हमारे पास बर्ताव किया जाता है, जिसके हमारे पास दिलों में बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं इस तरह की बातों को बंद करते हुए हमें अपनी ड्यूटी जो 60 साल 62 साल करने की जो एक सिविल को दिया जाता है, सिविलियन को दिया जाता है, उसी तरीके से हमको 60-62 साल की नौकरी करने का मौका दिया जाए।